नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन हो रखी है आज इंदु, और ऐसा मन करता है कहीं झूला वगैरह हो ना तो इन्हें झूले में झूलाऊं, लेकिन कहाँ ले जाऊंगा। कोई नहीं, जब अपना घर बनेगा ना ऊपर एक झूला लेकर के आएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। और आप सभी को जी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तैयारी के नाम पे बस मैंने ये ग्रीन सूट पहन लिया, चूड़ियों में ग्रीन चूड़ी मिक्स कर ली, बिंदी ग्रीन लगा ली, बस और तो कुछ नहीं करा। और मेहंदी लगा ली थी रात मेहंदी लगा ली थी। और कितने लगाई थी मेहंदी? और ये देखो ईशु के भी मेहंदी लगाई थी, दीदी ने इसके भी मेहंदी लगाई है। हमारे यहाँ ना तीज का मतलब वैसे नहीं होता है जैसे बहुत ज्यादा हो, बस ये है कि अपना सज सवर लो, तो खाना पीना वो बनाकर वो खा पी लो, झूला झूल लो, वैसे नहीं है कि मतलब जैसे कई जगह बहुत उत्सव हो गए ना। ड्रेस गिल्ली हो गया तो सूख जाएगी, कोई नहीं सूख जाएगी, गर्मी थोड़ी हो रही तो कर लेते हैं फटाफट से नाश्ता। नाश्ते में क्या है भाई? सब्जी और रोटी। और आज हमारी पीयू बेचारी जा रही स्कूल, ऐसा भी नहीं लग रहा है क्योंकि बच्चे रहा। पीयू स्कूल जा रही, उनका है इंस्पेक्शन है स्कूल में उनका, तो 6th से लेकर 10th क्लास तक को जाना। पीयू रुई और कृष्णा की छुट्टी, तो हमें तो रुई की, कृष्णा की, ईशु की, गुड्डू की, सबकी छुट्टी। हाँ दीदी ऐसी निशान है जिनकी छुट्टी। चलो बेटा चलो खाना खाओ पहले फटाफट, है ना, फिर चलते हैं। मैं नहीं खाऊंगा। तुझे तू नहीं खाएगा? तो जी यहाँ पे ये हो गया है शाम का टाइम। सुबह के टाइम मैं बुटीक पे ही चली गई थी अपने घर के काम निपटा के सारे, और क्या बोलते हैं उसको, क्या मैं बोल रही थी मैं भूल गई। हाँ मतलब तीज थी तो मैंने कुछ खास नहीं किया, क्योंकि एक तो मेरी पीयू चली गई थी स्कूल में, तो मेरा रूटीन वैसा ही रहा जैसा कि मतलब होता है नॉर्मली। तो मैंने मतलब उसे भेजा है स्कूल में तो खाना वगैरह बना दिया था, उसके बाद शाम को मैंने थोड़ी सी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना दी थी कुछ, तो दोपहर भिंडी मतलब सुबह के टाइम भिंडी बना दी थी, तो वो दोपहर को थोड़ी कम थी तो वही फिर मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च बना दी थी तो वो बच गई थी, फिर शाम के लिए वही मैं बना मतलब गर्म कर रही थी। तो इस वहाँ से दुकान पे से आके मैंने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था दोपहर का कुछ भी, तो इस वजह से फिर यहाँ पे मैं आई, अपना काम वगैरह निपटाया जो भी था, रेस्ट वगैरह किया, फिर उसके बाद मैं अपने काम पे लगी थी यहाँ पे। और मैं एक चीज़ बोलना चाहती थी कि कल वाली जो वीडियो मैंने डाली थी ना जिसमें मैंने रबड़ी चमचम बनाई थी, तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट ये आ रहे थे कि मैं मतलब मैं गुस्सा हो गई थी कि पीहू के डैडी ने ईशु को खिला दिया या मतलब मुझे नहीं खिलाया। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ एक बार वो वीडियो वापस से देखिए। मैं तब बोली थी जब पीहू के डैडी के हाथ में लास्ट बाइट थी, मुझे ये था कि वो मुझे खिलाएंगे, तो वो उन्होंने खुद खा ली थी, उससे पहले उन्होंने पीहू को दिया और पीहू से पहले शायद ईशु को दिया था। ईशु का और पीयू के डैडी के बीच में एक बंदा और था जब उन्होंने वो खाया। मुझे पता था कि कृष्णा और रूही ने खाई थी पहले, जो मैंने कान्हा जी को दी थी, पीयू ने नहीं खाई थी वो, और मुझे वो पता भी नहीं था कि उन्होंने खा ली, बच्चों ने ही खुद बताया था कि मम्मा हमने खा लिया। तो जब मैंने चीज़ बनाई थी वो तो मैंने सभी के ही लिए बनाई थी, और मुझे तो ईशु का पता भी नहीं था कि वो आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि छुट्टी का मुझे अंदाज़ा नहीं था कि किसकी होगी, वो बस आ गई थी। तो जब पीहू के डैडी ने सबको खिलाई तो मुझे ये था, मैंने कहा चलो लास्ट में मेरा भी नंबर आएगा, क्योंकि अक्सर वो यही करते हैं कि वो सबको खिला के फिर मुझे ज़रूर देते हैं, लेकिन कल उन्होंने मतलब परसों उन्होंने नहीं दी। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गुस्सा होगी थी कि भाई ईशु ने खा ली तो मैं गुस्सा होगी। तो प्लीज़ आपसे एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो जाके देखिए अच्छी तरीके से कि मैंने वो बात कब बोली है, ईशु को खिला दिया उसके बाद बोली या कैसे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको बुरी लग रही है कोई बात, ठीक है मतलब मान रही हूँ मैं, लेकिन प्लीज़ इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल देंगे कि मतलब एक ने बोला और सब ने वो चीज़ नोटिस कर ली कि हाँ भाई हमने देखा, हाँ भाई हमने देखा। भाई मैं मानती हूँ कि मेरे अंदर 1000 कमियाँ हो सकती है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आपको हर चीज़ में मेरी कमी नज़र आए। मैं अच्छा कर लूँ या बुरा कर लूँ या कैसे भी कर लूँ, मतलब ये हो रहा है कि मतलब कमी निकालनी है चाहे वो चीज़ है या नहीं है।
और उसके बाद भी जब मैंने वीडियो ऑफ कर दिया था उसके बाद भी मैंने मैं जब अपने लिए लेके आई तो भी मैंने सारे बच्चों को दिया था, उसमें इशू भी थी, बल्कि कृष्णा ने तो खाया नहीं था। रूही, पीहू और ईशू तीनों बच्चों को पहले दे के फिर मैंने खिलाया। बस मेरे से यह तो होता नहीं है कि मैं ऑन कैमरा आके सारी चीज़ें आपको करके दिखाऊं भाई, जो है तो उससे मेरी भी इमेज अच्छी बन जाएगी। बस ये है कि जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं कर लेती हूँ, जितना मैं दिखा सकती हूँ उतना मैं दिखा देती हूँ। वो ये है कि अपना अंदर का निकाल के तो किसी को दिखा नहीं सकते कि भाई हाँ नहीं ऐसे नहीं ऐसे है। बाकी मुझे तो देखिए, मैं तो अपनी तरफ से जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना करती हूँ, चाहे उसमें बच्चे हैं, कोई बड़ा है या कोई आया गया है, जितना होता है मैं करती हूँ। जिनको जो आते हैं मेरे पास मैं अपनी तरफ से उनके लिए भी पूरा करती हूँ, कोई नहीं आता तो वो भी मेरी गलती नहीं है कि मैंने घर के बाहर नोटिस बोर्ड लगवाया हुआ कि मेरे घर कोई मत आइए। तो प्लीज़ बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं ना सच में थक गई इन चीज़ों को इग्नोर कर करके कर करके कर करके। कोशिश भी करती हूँ बहुत कि नहीं इंदू छोड़ दे यार, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट हिट करती हैं, मतलब एकदम से वो लगती हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाई कि मतलब मैं भी इंसान ही हूँ, मुझे भी अपने जैसा ही समझिए। अगर एक गादी गलती हो भी गई है बाय चांस, वो ज़रूरी नहीं कि मैंने जानबूझ के की हो, अनजाने अनजाने में भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ऐसा तो देखिए कोई भी क्रिएटर नहीं होगा कि जानबूझ के अपने आप को गलत करते हुए कैमरे पे दिखाएगा या कुछ भी, सब चाहेंगे कि उनकी इमेज क्लियर हो। अगर ऐसा भी कुछ होता तो मैं तो उन में से हूँ कि भाई मैं जो हूँ मैं हूँ, किसी को मतलब मैं समझा नहीं पा रही उस चीज़ को। लेकिन इतना ज़रूर मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा चीज़ों को देख के अच्छी तरह समझ के तब आप कमेंट करेंगे तो मेरे लिए भी इजी हो जाएगा। तो देखिए जी, ये है फिर बाद का वीडियो अगले दिन का। हम लोग गए थे मंडी सब्जी लेने के लिए। ये तो पक्की सी लग रही, तीस क्या लगेगी? पक्की, ठीक है। वो ले ले वो भी। कितनी की? कैरियर भी यहीं से ले लो। उठ के आधे किलो चालीस रुपए किलो दिया तो 40 रुपए किलो बैगन। आधा किलो 30 रुपए की तोरी वाले घिया, कद्दू वाले तोरी वाले घिया वाले। असल में ना आपको योर लेगा ना फिर फिटिंग दिक्कत आती है, फिटिंग नहीं आती जी, ये चक्कर है। कल आ जाओ आप। नहीं जी, मैं मंडी हूँ जी, मंडी आवाज भी आ रही होगी आप। कितने के? ये डिनर 100 केक। तो फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं हम सब्जी लेके, और इंदू रुक गई है रास्ते में क्योंकि उसने अपनी थ्रेडिंग वगैरह बनवानी थी। तो बालों में कुछ नहीं, वो तो अभी आगे 5 मिनट में, और इधर बच्चे लगा रहे हैं दिया। नमस्ते बेटा। पंखा कम कर दो बेटा। और सब्जी में तो आज सारा कुछ मिल गया। और इधर कृष्णा
कृष्णा के लिए हम लेकर आए थे मंडी में से जलेबी और इसकी बोतल से। तो मत खा ला दे 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 तो पसंद नहीं है तो फिर बोतल दिखाऊंगा तुझे कौन कौन सी लेकर आई पानी की। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। हाँ तो जी यहाँ पे आ गई है कृष्णा की बोतलें भी और कृष्णा खुश होगा। नमस्ते बच्चे, क्या कर रहे हो तुम? एक है आपकी इसमें से तीन का क्या करेगा एक? आप बेटा ये मिलेगी तो वो महंगे वाली तो तुम खोदो। हमने दो बोतलें खोली, दो को दी ना, चलो ले तेरी है ठीक है। लो जलेबी तो खा लो, ये जलेबी नहीं खा रहे क्या? पहली जलेबी देख कैसे नीचे ना गिरा बेटा, ये प्लेट पकड़ो ना थाली। हाँ ठीक है तेरी है सारी। तो जी मंडी से आके मैं पहले अपनी थ्रेडिंग वगैरह करवाने के लिए चली गई थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मैंने थ्रेडिंग नहीं करवाई थी, तो वो भैया खाली बैठे थे तो मैंने सोचा कि चले थ्रेडिंग करवा लेती हूँ मैं। तो मैं जो जलेबी वगैरह लेके आई थी मेरा तो उन तक नंबर भी नहीं आया, तो वो मैं पहले आधा किलो ही लेने लग रही थी क्योंकि डैडी कहने लगे कि नहीं मतलब एक पाव ही ले ला क्योंकि बच्चों का ऐसा था कि शायद ना खाए, पर बच्चों को वो अच्छी लगी तो इन्होंने खा ली थी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने घर वापस इधर की साइड, और क्या बोलते हैं उसको मतलब मंडी में जाते हैं ना, तो मैं मंडी से बच्चों की बोतलें लेके आई, 300 रुपये की एक पड़ी है, 300 रुपये की तीन है, और सब्जी में से मतलब मंडी में से काफ़ी सारी और सब्जियाँ भी मैं लेके आई। हालाँकि आजकल कुछ खास सब्जियाँ नहीं आ रही, लेकिन मुझे मंडी जाने का ये जरूर लगता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको हाफ रेट में मिल जाती है, सब्जी वगैरह भी बहुत कम दाम में मिल जाती है, और ये जो बॉटल्स है ना जिन पे से मैंने ली उनमें मतलब सारा सामान बहुत ही कम रेट का था, कप ले लो आप 100 के 12 ले लो या कैसे भी करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंडी जाते हैं ना तो पैसे अगर आप बचाना चाहते हैं तो आपको मंडी से शॉपिंग करनी चाहिए, क्योंकि कई स्टॉल तो वहाँ पे ऐसे होते हैं जो 20 रुपये में हर चीज़ देते हैं, मतलब हर चीज़ का रेट 20 रुपये होता है या 50 रुपये होता है, और वो चीज़ अगर हम बाहर से लेते हैं मार्केट से लेते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली मिल जाती है। तो पैसा बचाने का ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे सिंपल और सबसे किफ़ायती तरीका है कि मंडी जाइए वहाँ से शॉपिंग कीजिए, सब्जी भी मिलेगी और घर का सामान भी जो है वो भी मिलेगा। तो मंडी में भी काफ़ी दिन बाद गई थी क्योंकि डैडी ही कई बार जाके लेके आ गए थे तो मैं नहीं गई थी, तो इस दिन मंडे था इन्होंने अपना इस दिन मतलब ये था कि दोपहर के बाद मैंने ही इन्हें बोला, मंडे नहीं था ही, तो मतलब आज की ही वीडियो है ये थर्सडे की, आज मंडी लगती है और मैं दोपहर के बाद ही मंडी चली गई थी, पहले नहीं मैं गई थी। मतलब वैसे तो क्या होता है कि शाम को होता है, दोपहर को जब प्यू के डैडी खाना खाने आए थे ना तो उसके बाद ही मैं मंडी चली गई थी, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा रश भी नहीं था कि भाई काफ़ी सारा रश हो, तो इस वजह से। और मैं मतलब भीड़ भाड़ सी जितना लेट जाते हैं ना मंडी में उतना ही भीड़ हो जाती है, उतनी ही बची हुई सब्जी मिलती है, लेकिन जितना जल्दी हम जाते हैं ना उतनी ही अच्छी और ताज़ी सब्जी मिल जाती है, तो इसीलिए मैं हमेशा जब भी जाती हूँ मंडी में दिन में जाती हूँ, दोपहर के बाद से को मैं चली जाती हूँ। तो फिर आ गई थी मैं यहाँ पे और आके मैंने सारा जो सामान है वो निकाल के रखा, फ्रिज वगैरह में रखा, पानी निकाला बोतलों में, कुछ जो बर्तन थे वो मांझ के रखे क्योंकि खाना वगैरह बनाया था तो सारा काम ऐसा ही। और इस टाइम मैं आपको बताऊँ मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ बिना किसी हेल्प के, अब मैं पीहू के डैडी से भी हेल्प लेना थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ क्योंकि वो भी अपना बुटीक पे लगे रहते हैं सारा दिन। पहले तो ऐसा होता था कि वो खुद ही कर देते थे, सुबह के टाइम तो वो हेल्प करवा देते हैं जब बच्चे जाते हैं, लेकिन अब मैं बाकी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उनसे कोई वैसी हेल्प ना लूँ घर के कामों में, जो भी मेरा काम है मैं खुद कर लूँ जितना भी हो सके। तो ये और एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहती थी कि मतलब ये होता है कि प्यू के डैडी अगर मेरी हेल्प करते हैं तो मैं उन्हें डरा के धमका के रखती हूँ या वो गुलाम बन गए हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ पे इस चीज़ को क्या कहा जाता है, पर जहाँ तक मैं जानती हूँ इसको शायद एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं कि वो समझते हैं किसको किस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें हेल्प करनी चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए या हमें उनकी केयर करनी चाहिए या ध्यान रखना चाहिए।
तो शायद आप लोगों के यहाँ पे जिन्होंने ये कमेंट किया है, सबकी नहीं, मैं जिनको ये लगता है कि वो गुलाम की तरह काम करते हैं, तो मैं उनसे बस यही बोलना चाहूँगी कि शायद आपके यहाँ पे ये चीज़ें चलती होंगी कि आदमी जो है औरतों की चलती होगी या आदमियों की ही चलती होगी, लेकिन यहाँ मेरे घर में जहाँ पे मैं हूँ फिलहाल, मेरा घर मतलब इस घर में जहाँ मैं रहती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों हर चीज़ में इक्वली पार्टनर हैं 50-50 के, चाहे वो बुटीक है हमारा, चाहे वो हमारा घर है, हमारा बैंक बैलेंस है, या हमारा काम है, या कुछ भी, एक भी काम हम दोनों बिना एक दूसरे से पूछे नहीं करते। और मेरे हिसाब से ये हर हस्बैंड वाइफ को होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही, अगर आपको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से गुजारनी है तो दोनों का ही मतलब इन्वॉल्वमेंट बराबर होना ज़रूरी है। तो हम तो यहाँ पे हमारे, हम तो इसको मानते नहीं कि भाई गुलाम है, हम तो ये बोलते हैं कि वो मुझे हेल्प कर देते हैं, ऐसे ही मैं उनको बुटीक पे जाके थोड़ी बहुत जो मेरे से बन पाती है मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ, तो इक्वल शेयरिंग हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग इन चीज़ों को गलत वे में ना ले जाके, अगर आप इन्हें पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे तो शायद वो अच्छी भी लगेगी, और मेरे हिसाब से दूसरे लोगों को भी इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। मेरे पास जब कॉल्स आती है, मैं बात करती हूँ, तो वो दीदी होती हैं जब मुझे बताती हैं कि दी आपका वीडियो देख के मेरे हस्बैंड भी हेल्प करने लगे हैं, या मेरे हस्बैंड भी हमारी मतलब पहले से ज़्यादा करने लगे हैं, तो वाकई में वो एक कॉम्प्लीमेंट होता है अपनी लाइफ का कि नहीं, वाकई में हम जो कर रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी के लिए पॉजिटिव वे में जा रहा है। तो मेरे लिए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है कि हमारे इतने से उससे अगर किसी का जीवन में थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है, सुधर रहा है जीवन किसी का, तो वो सबसे बेस्ट है। तो जी खैर ये हो गया था, बस बाद में ये दूध लेके आ गए थे, अब मैंने कपड़े वगैरह चेंज करे, अपने दूध रख दिया मैंने गर्म होने के लिए, क्योंकि दूध नहीं था आज, ख़त्म हो रखा था, तो फिर जल्दी ही दूध भी मैं ले मंगवा लिया था मैंने पीयू के डैडी से शाम को, मैंने कहा आप दूध देते जाइए, बच्चों को दूध देना है। तो बस यहाँ पे जी अब मैं अपना थोड़ा सा वो करूँगी, क्या बोलते हैं उसको, रेस्ट वगैरह करूँगी, फिर शाम के खाने वाने का देखूँगी, और उसके बाद बस फिर हम लोग रेस्ट करेंगे। तो इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे, कैसी लगी ज़रूर बताइए, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।